हाँ बच्चे आप इसको लेकर अपने बल पर आइए, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना समाज अपना परिवार है। हाँ मैं चाहूंगा कि आप लोग आने हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराए मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा कितना तड़पे हैं सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब चलिए ऐसे में मैं बताऊं कि गाजीपुर में आज हमारे साथ में मित्र उनके क्या हमारे भी मित्र हैं। वहीं हम बताएं कि आज हमारे साथ में पिट्टू सिंह हमारे साथ में है, काफी हमारे परम मित्र हैं, काफी अच्छे मित्र हैं। उनसे आज हम बातचीत करने के लिए कुछ चाहेंगे और दो शब्द काफी अच्छे एक टीचर के भी माध्यम से हम कह लें, अगर कुछ भी अगर जानकारी देने के माध्यम से भी कह लें तो गाने और कुछ भी तो कोई माना जाए तो कोई कम नहीं है। आइए आज इनसे हम जानकारी लेते हैं। पिंटू सिंह जी, सबसे पहले तो आप बताइए जिस तरीके से आज आप एक शादी समारोह में शामिल हुए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से कोई एक गीत गाकर सुनाइए जिससे कि हमारे चैनल आपसे रूबरू होने की कोशिश करे। एक गीत तो हम नहीं गाते हैं, सबसे पहले मैं वर और वधू को बधाई दे रहा हूँ। जब तक सूरज चांद रहे और ये जोड़ी सलामत रहे, और हमारे मित्र की बहन की शादी है, हमारी बहन की शादी है, और इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के लोगों से मिलकर के, और बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग यहाँ आए और आप लोगों से मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर के दिलदार नगर शकुन पैलेस में हमारे मित्र के एक भाई है जो कि हमारे साथ में वो बातचीत करने के लिए यहाँ पे तैयार है, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। कैसे इन शादियों में आज बहुत अच्छा लग रहा है और उनके भाई आज हमारे साथ में छोटे हैं मिले हुए हैं, उनसे हम आज परिचय। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशोक सिंह है। अशोक जी, जिस तरीके से आज आपकी बड़ी दीदी की शादी है उसको लेकर आज आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, बस कहना चाहता हूँ शादी है और बहुत बढ़िया हो रहा है, शादी तो होता ही है, दीदी का भी हो रहा है, मैं थोड़ा सा नाराज कर था, रो रहा था और कुछ नहीं, बस अब कुछ। अशोक जी, आपने जो बात कहा कि रोने की बात है वो कहाँ से आई? वो तो अपने दिल से आई, फीलिंग से आई कि इतने दिन मेरे दीदी साथ रही थी और छोड़कर जा रही है, ये रोने की बात आ गई। तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े बिछड़ के चल चले, इस तरीके से आप भी कहना चाहते हैं क्या? ऐसे मैं बताऊं कि गाजीपुर में आज हम दिलदार नगर में हैं, इस तरीके से उनके हम छोटे भाई से उन्होंने बातचीत किया और ऐसे में हमने काफी लोगों को दिखाया और इसके ही साथ हमारे मित्र राहुल सिंह के साथ हमने आज शादी समारोह में उपस्थित हुए हैं, उसी को देखते हुए आज कुशल पूर्वक शादी सम्पन्न भी हो रही है। गाजीपुर के लिए ओके इंडिया। सबसे बड़ी बात है कि इस समय खुशी की माहौल है तो गीत नहीं गाते हैं, गायन नहीं गाते हैं, लेकिन कुछ तो शायरी की शायरी के तो माध्यम से कुछ तो कह सकते हैं इन महफिल को। कभी तो हमको याद नहीं है शायरी वायरी गाना, अब धन्यवाद। कोई बात नहीं, कहा जाता है लोगों में एक समा खिलते हैं तो परवाने उछल के आते हैं, ऐसे ही गाजीपुर में आज हम मौजूद हैं और इन्हीं शब्दों को देखते हुए आज हम उन शादी समारोह में काफी अच्छे से शामिल हुए हैं। उसको उसी को अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तो काफी दिनों से हमारी वो दोस्ती आज भाइयों में तब्दील हो चुकी है, उसको लेकर हम काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। गाजीपुर के लिए ओके इंडिया के लिए कृष्णानंद गुप्ता के साथ विकास शर्मा। किस्मत की लकी तड़पे है, सावन भी कितने तुझ में बरसे हैं, जिंदगी मेरी सारी जो भी कहानी थी तेरे आने से नहीं रही। ऐसे नहीं, पूरा झुकी है, पूरा झुकी है। हाँ ठीक है।